हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोडिंग क्लासेस। और पिछले वीडियो में हमने बात की थी ब्रेक फंक्शन के बारे में, और इस वीडियो में हम बात करेंगे कंटिन्यू फंक्शन के बारे में। कंटिन्यू फंक्शन क्या है वो हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, होता क्या है, जब आपको कोई सीरीज प्रिंट करना है, मान लीजिए आप नंबर प्रिंट कर रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ऐसे आप नंबर प्रिंट कर रहे हैं, और आप 100, 1000 जितने तक मान लीजिए आपने नंबर प्रिंट करना है। Now what happens, अगर आप नहीं चाहते कि भाई जो भी नंबर आपका 4 से डिवाइड हो, आप उस नंबर को अगर ब्रेक करना चाहते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, हम लूप लगा देते हैं कि 1000 तक है वो चलता रहेगा। ठीक है, अब क्या करना है, इफ यू डोंट वॉन्ट, अगर आप नहीं चाहते हैं, इफ यू डू नॉट वॉन्ट टू प्रिंट से 4, और 4 से जो भी डिविजिबल होंगे प्रिंट डिविजिबल बाय 4, उनको अगर आप नहीं करना चाहते हैं प्रिंट, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, कंटिन्यू फंक्शन यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, जो लूप है उसको बोलते हैं कि भाई जैसे जैसे यहां तक ये लूप चलेगा 3 पर, यहाँ पे क्या करेगा, वो लूप ब्रेक हो जाएगा, लेकिन हम उसको क्या बोल देते हैं, कंटिन्यू का मतलब हो गया उसको बायपास कर देते हैं, तो वो क्या करेगा, 3 से सीधा 5 चला जाएगा, 4 को क्या करेगा, स्किप करेगा, फिर 5, 6, 7 को प्रिंट करेगा, फिर 8 को क्या करेगा, स्किप करेगा, वो कंटिन्यू पे 9 पे चला जाएगा। इस हिसाब से हमारा जो कंटिन्यू का फंक्शन है वो काम करता है। चलिए इसको एक एग्जांपल से हम देख लेते हैं, थोड़ा सा समझ में आएगा और अच्छे से। अब 4i इन रेंज, जैसे मान लीजिए i है, उसको रेंज दे देते हैं हमारा 1 से 40 तक देता हूं मैं, ज्यादा बड़ा नहीं करते इसको। और 1 to 40 मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि 0 से प्रिंट हो हमारी सीरीज, यहाँ पे हम 1 से प्रिंट कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे 1 नहीं दूंगा तो हमारा जो प्रिंट होगा वो 0 से होगा, जैसा हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि फोर लूप में भी देखा हमने, वाइल लूप में भी देखा था कि ये डायरेक्ट अगर हमने 1 नहीं दिया है तो ये 0 से स्टार्ट कर लेता है उस चीज को। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 1 दे रहा हूँ ताकि 1 से स्टार्ट करेगा। ठीक है, अब क्या कर देता हूं, मैं इसको बोल देता हूं कि भाई इसमें से इफ जो नंबर है मेरा, इफ आई मॉड्यूलस, इसका मतलब होता है अगर मैं आई में 4 का भाग दूंगा, आई मतलब जो नंबर आएगा, सीरीज चल रही है उसमें मैं अगर 4 का भाग देता हूं तो वो क्या आना चाहिए मेरा, 0 अगर आता है तो उसको क्या कर देना है, पास कर देना है, क्या कर देना है, पास कर देना है। तो पास के लिए हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, कंटिन्यू टाइप करते हैं। यहाँ पे आपको समझ में आया या नहीं आया एक बार आप और देख लीजिए, यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैं रेंज ले रहा हूँ 1 से 40 तक की, यहाँ पे 1000 है, आप 1000 तक का रेंज लेना चाहते हैं, 2000, 5000 जो भी रेंज लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 40 की रेंज ले रहा हूँ। अब इसमें मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप जो नंबर हमें प्रिंट करवाना है वो करवाना है जिसमें 4 का भाग जाएगा उसको स्किप कर देना है। 4 का भाग जाएगा मतलब क्या होगा, कोई भी नंबर में 4 का भाग जाएगा तो रिमाइंडर जो होता है वो 0 हो जाता है, कुछ बचता नहीं है, पूरा पूरा भाग चला जाता है। तो उस कंडीशन मॉड्यूलस होता है 4 = 0, ये चला गया। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ पे कंटिन्यू करेगा, उसको पर्टिकुलर 4 से जिस जिस में भाग जाएगा उसको स्किप कर देगा, बाकी में कंटिन्यू करेगा। कंटिन्यू करके इसको क्या करना है, प्रिंट आई कर देना है। प्रिंट क्या करना है, आई करना है, क्योंकि हम फोर लूप यूज कर रहे हैं इसलिए आई प्लस 1 करने की हमें जरूरत नहीं है, हमने प्रिंट आई कर दिया। और लास्ट में हम मैसेज करना चाहते हैं, प्रिंट करना, ये मैसेज देखिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, ये हमारा जो ब्रेक था उसके बाहर की तरफ है, यहाँ पे जो लूप का जो प्रिंट था वो यहाँ पे खत्म हो जाता है, और यहाँ पे जो आ रहा है, मैं लूप से बाहर आ गया हूँ, अब मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ। प्रिंट यहाँ पे पी छोटा कर देना है हमारा, पी बड़ा लिख दिया हमने, अब पी छोटा किया, प्रिंट हो गया। प्रिंट करके हम जो भी मैसेज टाइप करना चाहते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ द टास्क इज ओवर, ये प्रिंट करना चाहता हूँ। जैसे ही मेरा काम पूरा होगा लूप का, वो क्या करेगा, लास्ट में प्रिंट कर देगा, प्रिंट द टास्क इज ओवर, ताकि यूजर को पता चल जाए कि जो वो काम करना चाहते हैं वो हो चुका है। तो अब मैं इसको देखिए रन करता हूं,
यहाँ पे आप देख लीजिए, थोड़ा इसको छोटा करते हैं, और ये देखिए अभी हमने क्या बोला था, इसको 1 से लेके 40 तक नंबर प्रिंट करने थे, लेकिन जिसमें भी 4 का भाग जाना था उसको इसको क्या करना था, स्किप कर देना था। तो इसने वैसा ही किया है, 1 2 3 4 को नहीं टाइप किया, 5 6 7 8 को नहीं टाइप किया, इस हिसाब से आप देख सकते हैं 439 को किया है, 40 को नहीं किया, क्योंकि 40 में भी 4 का डिवाइड चला होता जाता है। और लास्ट में मैसेज क्या दे दिया, द टास्क इज ओवर। ठीक है, ये हमारा जो टास्क था वो आ गया। इस हिसाब से हम कंटिन्यू फंक्शन को यूज करते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि भाई 4 से भाग ना जाए, तो यहाँ पे एंड और दो फंक्शन होते हैं, उस पर हम हालांकि आगे वीडियो बनाएंगे, लेकिन मैं अभी फॉर टाइम बिंग आपको समझा देता हूँ यूज करने के लिए। एंड का अगर आप ध्यान दें, अगर मैं बोलता हूँ राम एंड श्याम, एक मिनट यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद हम इस पे बात करेंगे। राम एंड श्याम, ठीक है, और वेंट टू स्कूल, अगर मैं ये बात करता हूं तो इसका मतलब क्या है, आप समझेंगे राम और श्याम दोनों स्कूल गए। ऐसा नहीं है कि राम गया श्याम नहीं गया, दोनों एक साथ स्कूल गए हैं। तो जब भी हम एंड यूज करते हैं, इसका मतलब जो एंड के आसपास दोनों चीजें होती है, यहां भी आप देख लीजिए एंड के दोनों तरफ क्या है, राम भी है श्याम भी है, तो राम भी को भी स्कूल जाना था, गया है, और श्याम भी गया, दोनों जो एंड के आसपास की कंडीशन है वो दोनों ट्रू हो रही है। अगर मैं यहाँ पे और कर देता हूं, इसी सेम चीज को ही मैं लेता हूं और यहाँ पे कर देता हूं राम और श्याम, अब आप कुछ नहीं समझ पाएंगे। अब इसमें से क्या है, या तो राम स्कूल गया या श्याम स्कूल गया, वो स्कूल गए हैं, तो यहाँ पे आप कंफर्म नहीं कर पा रहे, यहाँ पे दोनों कंडीशंस कंफर्म हो रही है। ये चीज है वो एंड और से हम फंक्शन में यूज करते हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार से अगर आप चाहते हैं कि 4 से डिवाइड वाली नंबर और 6 से जिनका डिवाइड डिवीजन हो जाता है उनमें क्या करना है, उनको स्किप करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आगे क्या लगाने हैं, फिर फॉर्म वो लगा देना है, मोड लगा देना है, आई मोड 6 इज इक्वल टू 0। अब हमने और का यहाँ पे लगा दिया है फंक्शन। चलिए अब इसको अगर मैं प्रिंट करूंगा तो ये क्या करेगा, 4 से डिविजिबल वाली नहीं लेगा, 6 से डिविजिबल वाली नहीं लेगा, बाकी सारी चीजें प्रिंट कर देगा। यानी यहाँ पे 4 तो पहले ही स्किप कर रहा था, अब ये 6 को भी स्किप करेगा, और 12 नहीं हो रहा है, 18 को स्किप कर देगा, इस हिसाब से 6 से डिविजिबल वाली को भी स्किप करेगा। फिर इसको 6 की बजाय 3 करते हैं ताकि ज्यादा नंबर को हटा दीजिए, तो अब 4 और 3 से जो जो डिविजिबल होगी, या तो 4 से डिविजिबल होगी या 3 से होगी, उनको क्या करेगा, स्किप करता जाएगा। चलिए इसको रन करते हैं हम, ये देखिए अभी क्या है, 1 को किया है, 2 को किया है, 3 में 3 का भाग जा रहा है इसलिए इसको स्किप कर दिया, फिर 4 में 4 का भाग जा रहा है इसको स्किप कर दिया, 5 6 6 में 3 का जा रहा है उसको स्किप कर दिया, 7 8 में 4 का जा रहा है उसको स्किप कर दिया, 9 12, इस हिसाब से क्या कर रहा है, ये स्किप करता जा रहा है। तो यहाँ पे आप एंड कमांड भी दे सकते हैं, दोनों का भाग जाएगा, यहाँ पे मैंने 4 का भाग भी जाया जाएगा उसको भी स्किप कर रहा है, और 3 का भाग जा रहा है उसको भी स्किप कर रहा है। अब मैं चाहता हूं कि 4 और 3 दोनों का जिसमें भी भाग जाएगा उसको स्किप करेगा, बाकी सबको रखेगा। यहाँ पे इस नंबर को देखिए, अभी मैं एंड कर देता हूँ यहाँ पे, तो 4 और 3 का भाग किसमें जाता है, फर्स्ट नंबर आता है वो आता है हमारा 12, 12 पे, तो यहाँ पे ये बाकी सबको प्रिंट करेगा, 12 को स्किप करेगा, 12 के बाद फिर नेक्स्ट जो भाग जाता है वो जाता है 24 में, तो उसको स्किप करेगा, इस हिसाब से चलेगा। चलिए इसको रन करते हैं वापस, तो देखेंगे आप यहाँ पे देखिए 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 कॉमन जहां पे जाएगा, दोनों का भाग जा रहा है 12 में, तो 12 को स्किप कर दिया, उसके बाद अगला दोनों का भाग जाता है 24 को, 24 को स्किप किया, फिर 36 में जाता है, 36 को स्किप कर दिया, इस हिसाब से क्या कर रहा है, ये फंक्शन चल रहा है। तो इस हिसाब से हमारा जो कंटिन्यू फंक्शन है वो काम करता है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, आप समझे होंगे इसमें कंटिन्यू फंक्शन कैसे काम करता है। अगले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पास जो फंक्शन होता है वो कैसे काम करता है, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक वीडियो, और वीडियो का अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, पुराने वीडियोज देख लीजिए, और दोस्तों अपने जो वैल्यूएबल कमेंट्स है प्लीज देते रहिए, ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं लर्निंग करने में। बहुत बहुत धन्यवाद।